वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बुधवार को पुलिस बल के साथ साइकिल से पेट्रोलिंग करते हुए विश्वविद्यालय पुलिस चौकी, पैडलेगंज पुलिस चौकी, नौकायान चौकी, थाना रामगढ़ ताल, थाना कैंट का औचक निरीक्षण किया तथा पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने डायल 112 के वाहन को भी चेक किया। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, हम रामगढ़ ताल थाने पे है अभी। इससे पहले मैंने पैडलेगंज चौकी है, नौकायन चौकी है, जिनम चौकी है, हम लोग घूम करके और इसको देख रहे हैं। हम लोग इसमें सभी थानों की अलर्टनेस चेक कर रहे हैं, चौकी इंचार्जों की अलर्टनेस चेक कर रहे हैं, उनके टॉप 10 अपराधियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, कितने टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई करी, गैंगस्टर पर क्या कार्रवाई हुई, लुटेरे पर क्या कार्रवाई हुई, पल्सर और मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की और 3 सवारी भी चल रही है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके और कैसी चेकिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग आंशिक रूप से घूम करके देख रहे हैं। बाइसिकल से चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा जानकारी होती है तो हम लोग थोड़ा देखने के लिए एसपी सिटी और हम दोनों निकले हैं और लगभग 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया हम लोग घूमते हुए शहर में जी। और हर एक चीज़ हम देख रहे हैं बारीकी से कि किस तरह से क्या व्यवस्था है हमारे पुलिसिंग की और पुलिस की विजिबिलिटी कैसी है। पैदल पेट्रोलिंग और बाइसिकल से पेट्रोलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि इसको देखने के बाद पुलिस के अलर्टनेस का पता लगता है। उसी आधार पर हम लोग पुलिस के अलर्टनेस को बनाए रखने के लिए एक अभियान जारी रखने वाले हैं।